विराट के बघेली समाचार में हम साक्षी अपना पंचन के स्वागत करी थे। खबर रीवा जिला के सरमौर चौराहा से विश्वविद्यालय और बोदाबाग रोड में बने वाले फ्लाईओवर निर्माण कार्य के चलत क्षेत्र में पानी के संकट खड़ा होगा। अपना पंचन का बताए दे कि सगला दोष निर्माण कंपनी के आए, काहे कि निर्माण कंपनी के द्वारा टेलीफोन और लाइन तोड़ी गए, वह मीठे पानी के पाइपलाइन का नष्ट कई दिन का, जेके वजह से मीठ पानी रोड में बहत लाग है। पाइपलाइन टूटे के वजह से सिरमौर चौक बोदाबाग रोड के आसपास में पानी के संकट खड़ा होगा। लक्ष्मण बाग संस्थान रीवा में महीना भर से चलत रहे धनुमार्स गोदंबा उत्सव के होए के दौरान बुधवार का बड़े नीक ढंग से विवाह भा। श्री गोदा रंगनाथ मंदिर के पुजारी आचार्य कृष्णकांत द्विवेदी बताएं कि गोदंबा जी के तपस्या से खुश होए के श्री रंगनाथ भगवान धनुमार्स के 27वें दिन प्रकट होए के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में श्री गोदंबा जी के साथ विवाह किए रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिवराज गुरु स्वामी हरिवंशाचार्य महाराज पूर्व मंत्री और विधायक राजेंद्र शुक्ला सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह धोनी सब परिवार डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी चिरौला मंदिर के प्रमुख सेवक गोकर्ण महाराज आचार्य शिवाकांत द्विवेदी पंडित रविराज शास्त्री पंडित राम नारायण द्विवेदी और हजारों के तादाद में भक्तगण शामिल हुए। मुख्यालय जवा के इकलौती शासकीय हाई स्कूल जवा प्रभार के बैसाखी में संचालित है। विद्यालय के माध्यमिक से हाई स्कूल में उन्नयन ता भा, लेकिन शिक्षा विभाग हिया प्रचार तक नहीं उपलब्ध कराए पाई। ऐसे में शिक्षक का प्रभारी प्रचार बनाई के विद्यालय संचालन के कागजी नौटंकी शुरू कहीं, जे रोज दारू के नशे में दूद होई के विद्यालय आवत है। जवा शासकीय हाई स्कूल थाना जवा के बगल में संचालित ही। जवाब में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक श्रोता समन्वय तहसीलदार और जनपद कार्यालय जवा में संचालित है। प्राचार्य के दारू के नशे में विद्यालय आवे से विद्यार्थिन के ऊपर का असर पड़ी और इनकर भविष्य अंधकार में ढकेले के काम कीन जात लाग है। नहीं ठीक है, आप छोटा बच्चा है, नहीं हम पहले 5 से पहले आ जाए। हम बिल्कुल, देखिए हम आपको छुट्टी देने वाले कोई नहीं होते हैं, केवल आपसे पूछने हमें जानना चाहते हैं कि समय आपका 4:30 बजे तक है, उसके पहले आप क्यों जा रहे हैं? आप कह रहे हैं ना कि हम ड्रिंक नहीं किए हैं, तो प्लीज आ पाए। आऊँगा। हाँ ठीक, ओके सर, ओके। हाँ हाँ हमने चालू करवाया। हाँ, आज हम अच्छे अवकाश में हैं। हाँ, अच्छी का अवकाश में है। पंचम सिंह नाम है, शिक्षक पद पर हूं। जब अच्छा मैं आता था विद्यालय सर जी, एक दो फर्स्ट में जब मैं आया था विद्यालय में जी, जी इनका ये तरीका देखा तो हमने पकड़ के हाथ बैठा दिया था एक कमरे में जी, कहा आप कहीं जाओगे नहीं कक्षा के अंदर जी, अब उठोगे तो सीधे घर। फिर ये 2 दिन विद्यालय नहीं आए जी, फिर आए एक दिन तो बोले सर अपने सामने कह दिए होते मुझे ये बात। हमने कहा ये आदत छोड़ने के लिए मैंने आपको कहा था जी, जी गुरु का ये जो है ये आज बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से फिर से हाँ। कहा थोड़ा आप दूर बैठे हाँ। अपना ट्रांसफर कर लें। अच्छा, चले जाए दूसरी जगह। ओके, ये उच्च कार्यालय को सूचना देंगे। अब उच्च कार्यालय हमारा जो मैंने कार्यवाही करेगा वो मान्य होगी। अच्छा, वो नशे की हालत में स्कूल में थे तो उनको दंड मिलना चाहिए। खबर रीवा जिला के सिमरिया थाना क्षेत्र से आए, जहां 2 दिन से एक लड़का लापता रहा, ओखर सब गांव के तालाब में मिला। मृतक के पहचान प्रदीप सिंह हरदुआ थाना सिमरिया भय ही। अपना पंचन का बताए दे लड़का 2 दिन से गायब रहा, लेकिन घर वाले के द्वारा कोनो शिकायत नहीं कीन गए। शुक्रवार का सब मिले के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गए। अबे FSL टीम सब का सूक्ष्म परीक्षण कई के पोस्टमार्टम करवाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवे के बाद लड़का के मौत के कारण पता चली।
आज खातिर इतना बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।